हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी के स्पेशल सेगमेंट द रियल हीरो में, एंड आई एम योर होस्ट मीनाक्षी। भारत हमारा देश, हमारी कंट्री, इसके लिए हमेशा हम एक सपना देखते हैं, और ख़ासकर जब हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं, खेल जगत की बात करते हैं, तो आजकल खेल जगत में हर कोई अपनी एक पहचान तो बनाना चाहता है, लेकिन इस पहचान के साथ वो अपने देश को भी सर्व करना चाहता है, देश को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखना चाहता है, एक मान देना चाहता है, एक सम्मान देना चाहता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमने जब देश को इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया और एक इतने बड़े बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया, तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये देश भी हमारे साथ होगा, ये सरकार भी हमारे साथ होगी और ये प्रशासन भी हमारे साथ होगा। लेकिन क्या इन स्पोर्ट्स पर्सन्स ने कभी ऐसा सोचा था कि एक ऐसा भी दौर आएगा जब इन्हें इनकी ज़रूरत पड़े होगी, तब यहाँ पर इनके साथ कोई नहीं होगा। आज के इस रियल हीरो सेगमेंट में मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसे रियल हीरो से, एक ऐसे डेडली स्पोर्ट्स पर्सन से जो पावर लिफ्टिंग के साथ साथ एक आर्चर में बहुत अच्छा नाम कमाए हैं इन्होंने। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर इन्होंने अपने देश को, अपने भारत को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इतने सारे मेडल्स और इतनी ट्रॉफीज़ के बाद आज एक ऐसा दौर आ गया है जब यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके घर को चलाने के लिए, एक ब्रेड एंड बटर के लिए इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से इन्हें जूझना पड़ रहा है, लेकिन इनकी जो गुहार है, इनकी जो मांग है, वो सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। कौन है आज के गेस्ट और इनकी उपलब्धियां और इनकी तकलीफ़ों के बारे में और जानेंगे आज के हमारे सेगमेंट में, तो चलिए मिलवाती हूँ मैं आपको इनसे। जिंदगी संघर्ष का नाम है और ये हमने कई बार सुना है और सच भी है। हमारी जिंदगी में न जाने कितनी बार हम इस पड़ाव से गुजरे होंगे, कितनी बार गिरे होंगे, उठे होंगे, लेकिन जो हमें आगे बढ़ाता है वो है उम्मीद। वो उम्मीद जिस पर हमारी दुनिया कायम है, वो उम्मीद जिसके लिए हम संघर्ष करते ही जाते हैं, और ऐसी ही एक उम्मीद लिए अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियों के बावजूद न हारते हुए, जैसे तैसे कोशिश करते हुए ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं संदीप गवई, पेशे से एक आर्चर। न जाने कितनी दफा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। अपने कार्यकाल में संदीप जी ने थाईलैंड, इटली, चेक रिपब्लिक में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में अपने भारत को रिप्रेजेंट किया, और सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं बल्कि कई मेडल्स भी हासिल किए। उन्होंने बैंकॉक में 2012 में टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था। राज्य सरकार ने संदीप के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और उन्हें प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया। एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता के रूप में उन्होंने 2012 में एक सरकारी नौकरी के लिए औपचारिक रूप से राज्य सरकार में आवेदन किया। सीएम से लेकर डीएसओ तक कई आवेदन और अब तक वो अनुरोध कर चुके हैं। हालांकि नौकरी नहीं मिलने से संदीप निराश हो गए। हालांकि 10 साल बाद भी सरकार ने उनके आवेदन पर अब तक विचार नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने अपने निर्वाह के लिए विवाह समारोह में फेटे बांधने का व्यवसाय शुरू किया। हालांकि कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते पिछले 2 साल से शादी समारोह ठप पड़े हैं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी संदीप के कंधों पर है। बीसी से थोड़े पैसे, दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर उन्होंने हाल ही में अपनी एक छोटी सी चाय की टपरी डाली है। दिन भर में वो चाय और पोहे यहाँ बेचते हैं। आखिर घर को तो चलाना ही होगा ना, तो चलिए जानते हैं संदीप जी की व्यथा उन्हीं की जुबानी। सो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है, उनके इंट्रोडक्शन भी आपको दे चुकी हूँ। हमारे साथ हैं संदीप सर। संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। संदीप सर,
एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है आपने अपने एक स्पोर्ट्स पैशन में। सिर्फ स्पोर्ट्स पैशन ही नहीं, जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि आपने अपने देश के लिए एक अलग ही मुकाम हासिल किया, जो हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है कि हम देश को सर्व भी करें, उसके साथ साथ हम उन्हें वो सम्मान दिलाएं जो आपने दिलाया। मैं आपकी शुरू से शुरुआत करना चाहूँगी, जब आपका बचपन था तो क्या आपने सोचा था कि ऐसा कुछ स्पोर्ट्स में करना है या किस तरह की, क्योंकि बच्चों जब बच्चे होते हैं हम तो हम सोचते हैं हम ये करेंगे, क्या पहले से सोचा था कि एक आर्चर बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कॉलेज में जब 12वीं में था तो मुझे पैरालंपिक में ऐसे खेल होते हैं ये जानकारी नहीं थी। मेरे एक सर मुझे मिले, अर्जुन अवार्डी विजय मुनीश्वर सर, उन्होंने इस बारे में मेरे को इसकी जानकारी दी कि इसका पैरालंपिक में भी ऐसा अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में पावर लिफ्टिंग ज्वाइन किया और कुछ कारणों के पश्चात मैंने वो पावर लिफ्टिंग छोड़ के आर्चरी को ज्वाइन किया। और आर्चरी खेलते खेलते मुझे ऐसा लगा कि इसमें अपना करियर हो सकता है, तो वही खेल मैंने आगे अभी तक पकड़ा हुआ है। संदीप सर, वो उस टाइम पर कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, और स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन नहीं हुआ करता था, एक कहीं ना कहीं पीछे देखा जाता था। हमारे पेरेंट्स हमेशा सोचते थे कि बच्चा पढ़े लिखे और एक अच्छी सी जॉब करे, एक अच्छी सी डिग्री हासिल के। स्पोर्ट्स में एक प्रोफेशन बनाना, घर पर किस तरह का सपोर्ट रहा? सबसे पहले तो आर्चरी बहुत महंगा गेम है, उसके लिए इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है। तो मेरी मम्मी ने कुछ मदद की, कुछ मेरे शादी का मेरा एक गहना था वो उसको बेच के मैंने सेकंड हैंड एक कंपाउंड वो ख़रीदा, उस पर मैंने प्रैक्टिस किया। मेरे कोच तिलक सर है, वो पहले आर्मी हुआ करते थे तो वहाँ जाके ट्रेनिंग करता था, और 15 दिन उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं नागपुर आके अपने होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता था। आर्चरी के साथ साथ पावर लिफ्टिंग कंटिन्यू की थी कि सिर्फ आर्चरी पे कंसंट्रेशन? नहीं, मुझे अपेंडिक्स होने के बाद मैंने थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है, इसलिए मैं पावर लिफ्टिंग थोड़ा पीछे छोड़ दिया और आर्चरी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा। कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट पर्सन का हमेशा सपना होता है कि वो अलग अलग लेवल्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करे। सबसे शुरुआत, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, यूथ है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाती है, छोटे छोटे फेलियर्स में बहुत परेशान हो जाती है। मैं आपके ज़माने पे जाना चाहूँगी और आपको उस ज़माने में ले जाना चाहूँगी कि आपने जब शुरुआत की, क्या आपने सोचा था कि आप इतना रिप्रेजेंट करेंगे और इन चीज़ों पे पड़ाव चलेंगे? नहीं, ऐसे तो सोचा नहीं था। सबसे पहले मैंने कंपाउंड राउंड के पहले जो इंडियन राउंड होता है उस पर कुछ साल मैंने आर्चरी की है, जो इंडियन बो कहते हैं, और उसकी प्रैक्टिस में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि में वहाँ जाके साइकिल से जाता था, प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर मुझे एक अहमदनगर के धवनी सर है जो इसके बारे में ज़्यादा जानते थे कि आर्चरी में इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, तो उन्होंने मुझे कंपाउंड राउंड के बारे में बताया और कंपाउंड खरीदी करने की सलाह दी। उस हिसाब से मैंने सेकंड हैंड वो परचेस किया, फिर पुणे में जाके तिलक सर से वहाँ पे प्रैक्टिस कराई सर ने, और मैं यहाँ होम ग्राउंड में आके प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे करके नेशनल आते गए, स्टेट के मैचेस मेडल्स मिलते गए, और नेशनल सेलेक्ट होने के बाद सबसे पहले चेन्नई में एक ट्रायल था, वो ट्रायल मैंने दिया और सबसे पहले थाईलैंड में मेरा मैच का सिलेक्शन हुआ। और उसी टाइम 2011-12 में मुझे ये ब्रॉन्ज मेडल भी वहाँ पर, इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल सबसे पहले मिला था, तब ये मेरा सबसे पहला इंटरनेशनल प्ले कंपटीशन का सबसे पहला वाला मेडल है। रिकॉग्निशन मिला तब आपको ऐसा लगा कि नहीं, अब तो और आगे बढ़ते रहना चाहिए, अब पीछे? उसके बाद मैंने सोचा नहीं कि पीछे मुड़ के जाना है, और आर्चरी करता गया। फिर मैंने वर्ल्ड रैंकिंग के लिए चेक रिपब्लिक वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है, एक
थाईलैंड में मेरा 2-3 बार पार्टिसिपेशन हुआ है, इटली में मेरा मैं इंडिया पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते नेशनल मेडल तो हमेशा हर साल आते रहे, मगर कुछ कारणों के वश कैसा रहता है कि अगर आपका इक्विपमेंट अच्छा है तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो, मगर सेकंड हैंड होता है। जैसे जैसे इक्विपमेंट चेंज होते हैं बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, और उतनी परिस्थिति नहीं है, इस वजह से हमारा सेकंड हैंड पे ही है आज तक हम खेलते आ रहे। कितनी बड़ी बात है कि आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे भी मैं देखती हूँ कि जब कुछ करना होता है तो सारी चीज़ें पहले माँ बाप से पूरी तैयारी करवाते हैं। आज क्यों एक छोटा सा स्पोर्ट ही क्यों ना खेलना हो, सारे इक्विपमेंट्स पहले खरीदते हैं, ये ना पता होता है कि आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि आज की जनरेशन को इन सारी चीज़ों से और आप जैसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए? उसके बारे में तो अपन कुछ नहीं कर सकते, बच्चे अपने से क्या लेता है या फिर अपन उसको क्या देख सकते हैं, यही अपन सोच के कुछ दिन मैं ग्राउंड पे भी प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों को, यूनिवर्सिटी बच्चे मेरे अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल लेवल के बच्चे भी करते हैं, और आज अच्छी पोजीशन पे आज मैच चल रहा है एक पंजाब में, जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन ट्रायल हो चुका था मेरे अंडर में ही हुआ, और उधर टीम आज खेल रही है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। नागपुर में सबसे ज़्यादा क्रेज़ अभी आर्चरी का बढ़ते जा रहा है। वही कह रही थी संदीप सर कि आर्चरी अब एक जाना माना स्पोर्ट है, लेकिन आपके ज़माने में आर्चरी शायद ही कुछ लोगों को पता होगी, वो स्पोर्ट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी पहले से। कहीं देखा गया क्रिकेट हॉकी हो गई, ये सारी चीज़ों को बहुत तवज्जो दी जाती रही, लेकिन अब तो चीज़ें जानी मानी होने लगी हैं। कुछ तकलीफ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग ऐसे कुछ स्पोर्ट को चुनते हैं या फिर कोई फील्ड को चुनते हैं तो तब हमें बहुत कठिनाइयां होती हैं या फिर कुछ फेलियर होता है, कहीं पार्टिसिपेट किया या नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। आपके साथ वो दौर कैसा? कुछ साल तो मेडल नहीं मिले हैं, मगर आगे के बच्चे कैसे मेडल लेते हैं, ये जीत पकड़ के अपने को भी मेडल चाहिए, ये हिसाब से प्रैक्टिस किए है, और आज इस मुकाम पर पूछे कि इतने सारे मेडल आज आर्चरी में हमको मिले हैं। ये इतने सारे मेडल्स हैं, ये जानना चाहूँगी, ये सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये कब का है, ये आपका कहाँ का ये आईडी है? ये वर्ल्ड रैंकिंग के लिए हम चेक रिपब्लिक में गए थे, उस टाइम का ये है, और वहाँ पे बहुत सारे दोस्त लोग मिले थे, तो एक्सचेंज होती है। हाँ, कंट्रीज़ अपने अपने में फ्लैग देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो हमने भी इंडिया का फ्लैग सबको दिया है, और उन्होंने रिटर्न में अपने अपने एक एक चीज़ें आप गिफ्ट दिए जी। इतने सारे जो मेडल्स हैं ये कब कब के हैं और आपके कौन से खास आपको याद? ये पिछले 2018 में मुझे नेशनल में मेडल मिला था, ये साई सेंटर में सोनीपत में हुआ मैच है 2018 में, उस टाइम में मुझे ये ब्रॉन्ज मेडल लगा है, और आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अभी नेशनल का इस साल का डेट आया है 30 मार्च में मेरा फिर से नेशनल है। आप पार्टिसिपेट करने वाले, कैसी तैयारी चल रही है? क्योंकि तैयारी तो अब कहीं ना कहीं इतना लंबा सफ़र है तो आपको तो तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर एक खिलाड़ी को पार्टिसिपेशन के पहले तो बहुत ज़्यादा तैयारी तो करनी होती है मैडम, मगर अपना घर संसार भी देखना है, इस वजह से प्रैक्टिस में थोड़ा पीछे जा रहे। सर, ये दौर जो था एक एक स्पोर्ट पर्सन के लिए, एक दुनिया को रिप्रेजेंट करना, हमारे देश को रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम ये आगे की जर्नी सोचते नहीं है कि आगे हमारे साथ क्या होगा। हम ये प्रिपेयर रहते हैं कि हमने इतना कुछ किया है तो हमें भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ एक सेटल्ड होगी, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि बहुत ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो इतना कुछ कर चुके हैं, इतना अपनी सारी ज़िंदगी अपने देश के लिए लगा चुके हैं या फिर अपने एक स्पोर्ट के लिए लगा चुके, आगे जो तकलीफ है, क्योंकि ये मैं इस पे आने वाली थी कि अब आपकी ज़िंदगी जो है बहुत
मुश्किलों के साथ देखी जा रही है। 10 साल से एक एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया है। यहाँ का दौर, क्योंकि वो 18 से जो एक रिकग्निशन मिला आपको स्टेट गवर्नमेंट से, वहाँ से यहाँ तक का ये सफर। एक स्कीम निकाली थी अपने CM जब देवेंद्र फडणवीस सर थे, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल आर्चर यानी जो मेडलिस्ट है या फिर पार्टिसिपेशन किए हुए इंटरनेशनल प्लेयर है उनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी कि उनको गवर्नमेंट जॉब में थेट नियुक्ति दी जाए। उस टाइम में हमने प्रॉपरली चैनल के हिसाब से सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पे बालेवाड़ी में पहुँचाए है, उसका वेरिफिकेशन 2018 में हो चुका है। मगर बाद में 2018 के बाद सरकार चेंज हो गई, अपने देवेंद्र जी फडणवीस की जगह अभी उद्धव जी ठाकरे CM बने हैं, तब से मेरा ये काम पेंडिंग पड़ा है और वेरिफिकेशन हो के आज मेरा 4 साल गुजर गए, मगर गवर्नमेंट के तरफ से जॉब के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आप जब इस प्रोफेशन में आए या फिर जब आपने ये सारी चीज़ें करी, इतने पार्टिसिपेशन करे, इतने कंपटीशन नेशनल इंटरनेशनल पर खेले, आपको तो लग रहा होगा कि आगे जाके एक लाइफ सेटल होगी, एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भी इतना स्पोर्ट्स के लिए सबकी जागरूकता बढ़ गई है, इंटरेस्ट बढ़ गया है, आज की जनरेशन हर एक तरीके का स्पोर्ट में आ रही है प्रोफेशनली भी, लेकिन क्या लगता है कि हम अब भी फैसिलिटी में लैक कर रहे हैं, कहीं हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमी आ रही है? आज तक तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है, जो कुछ करता वो मेरे फेटे के बिजनेस में जितना मिलता है उसमें से कुछ बचत करके या फिर कुछ अलग काम करके, जैसे कि अभी मैंने चाय और चना पोहा बेचना शुरू किया, उसमें से ऐसे कुछ बचा के रखता हूँ और मेरे स्पोर्ट्स के लिए मैं वो यूज़ करता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे आज तक, मैंने DOSO में भी बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं, मगर DOSO की तरफ से भी मुझे आज तक का कुछ मदद नहीं हुई है। हम हमेशा खेल जगत को इतना बढ़ावा देते हैं, सरकार इतनी बातें करती हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी जो एक स्पोर्ट पर्सन है उसके लिए आगे की लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं खासकर गवर्नमेंट, हमारी सरकार से कहना चाहूँगी कि हम आज की जनरेशन को इतना मोटिवेट करते हैं, इतना बूस्ट करते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग बूस्ट करते हैं, आज इतनी फैसिलिटीज़ है, लेकिन अगर ऐसे हालात आगे जाकर होंगे तो क्या आज की जनरेशन इस प्रोफेशन में जाना चाहेगी, क्या वो अपने पैशन को पूरा करना चाहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज एक ऐसी स्थिति है कि संदीप सर को एक स्टॉल, एक कियोस्क लगाना पड़ रहा है अपने घर को चलाने के लिए। ये गवर्नमेंट अब तो ऐसा हो गया है कि जो एज लिमिट थी वो भी अब आपकी यहाँ तक पहुँच गई, जो एक फॉर्मेट में, प्रोसीजर में होती है, इस बारे में। पैरालंपिक के लिए 45 ईयर तक ही जॉब का ये रहता है, मगर 2018 में मेरा वेरिफिकेशन हो चुका था। मैं यही सोचता था कि आज होगा कल होगा, इसके हिसाब से मैं आज भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, मगर ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स खेल के महाराष्ट्र में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो स्पोर्ट्स छोड़ के अपने काम धंधा करें, कुछ पैसा कमाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक ही विनती है कि स्पोर्ट्समैन के तरफ थोड़ा सा तुम भी ध्यान दो, ये जो अपने स्पोर्ट्समैन है, अपने स्पोर्ट्स खेलना चाहते वो ये स्पोर्ट्स ना छोड़े और अपने स्पोर्ट्स खेलते हुए अपने देश का, महाराष्ट्र का नाम रोशन करे। तो मैं गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द मेरे नौकरी का जो काम रुका हुआ है वो पूरा किया जाए और मुझे महाराष्ट्र शासन के किसी भी क्षेत्र में मुझे जॉब दी जाए। अगर जॉब मिलती है तो मैं खेलकर अपने देश का और महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। हाँ जी, जो आपने कहा कि एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो एक प्रोसेस होता है एज ग्रुप का, अब वो एज आपकी ऐसा ना हो कि क्या ये चीज़ें भी आ रही हैं कि अब आपकी एज इसमें बैठती नहीं, इसीलिए नहीं दे, क्या ऐसे रीजंस दिए जा रहे हैं? नहीं, 45 ईयर तक तो क्राइटेरिया दिया है, 2018 में मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, तो मेरी सीनियरिटी 4 साल से वैसे ही पड़ी हुई है। अगर मेरा 18 में हो जाता है तो
मैं तो इस कैटेगरी में बैठता था, मगर आज ऐसी परिस्थिति आई, मेरे पास अभी कुछ ही समय बचा है। अगर मेरे को एक दो दिन में अगर जॉब का कुछ नहीं होता है, मैसेज नहीं आता है, तो मैं अमरन उपोषण के लिए RBI चौक में अपना अमरन उपोषण शुरू करने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। संदीप सर, बहुत सारी परेशानियां अब आपके सामने हैं, और इस कोरोना काल में, जैसे कि दर्शकों को मैं बताऊं कि मैंने पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में कि ऐसी एक स्थिति आ गई कि इन्हें वेडिंग्स में जो फेटे बांधते हैं उनका उन्होंने काम शुरू किया, बहुत ही अच्छा काम है उन्होंने शुरू किया अपने घर चलाने के लिए। कुछ तो काम करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक ऐसा काल आया जिन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया, वो था कोरोना काल। ये आप जानते हैं कि बहुत लोगों को तकलीफें हुई, उसी तरह जो शादियां थी वो भी एक हॉल्ट पर आ गई। शादियां हॉल्ट पे आने के बाद ये जो इनका काम था ये कहीं ना कहीं हिल सा गया। स्कूल की फ़ीस, घर चलाना एक बहुत बड़ा, एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ये समस्या देखी। उसके बाद इन्होंने अभी एक टी स्टॉल और एक चाय पोहा सर्व करना शुरू किया है घर चलाने के लिए। ये जो दौर था, क्योंकि आपने जब फेटे बांधने का काम शुरू किया तो वो काम को भी कहीं ना कहीं एक धक्का सा लगा कोरोना में, ये कैसी सिचुएशन, क्या परेशानियां आपने देखी कोरोना काल में? तो महाराष्ट्र सरकार ने बता ही दिया था कि शादियां जहां भीड़ होती है ऐसी शादियों को रोक लगा दी गई थी, इस वजह से फेटे कहीं बांधे नहीं गए। वो बिजनेस मेरा डाउन हो गया, 2-3 साल से कुछ बिजनेस नहीं हुआ है। ऊपर से बच्चों की ऑनलाइन स्कूल चल रही थी, मगर फीस के लिए सभी स्कूल वाले परेशान कर रहे थे, वैसे मेरे बच्चों को भी परेशान करना शुरू हुआ था। और वो स्कूल वाले बोल रहे थे कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तो बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दी जाएंगे, आंसर शीट नहीं दी गई मेरे बच्चों को। कहीं बाहर से दोस्तों से उधार लेके या फिर कहीं से जुगाड़ करके स्कूल का पैसा जब तक भरा नहीं तब तक मेरे बच्चों को आंसर शीट भी देने गई थी। बोल रहे थे कि अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। बाहर से पैसा उधार लेके मैंने स्कूल में जब पैसा भरा तब जाके आंसर शीट मिली है और मेरे बच्चे एग्ज़ाम दे पाए। संदीप सर, खेल मंत्री हमारे खुद के शहर से हैं, खेल मंत्री शहर से होने के बावजूद भी एक रिस्पॉन्स ना मिलना, क्या कहेंगे आप? बहुत खेद की बात है कि हमारे महाराष्ट्र के क्रीड़ा मंत्री हमारे पास में होते हुए भी हमारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। मैंने केदार साहब को भी आज तक 4 से 5 बार निवेदन दिए हैं, CM सर को भी मेल कर चुका हूँ, बालेवाड़ी में भी मैंने अपना रिमाइंडर दिया है, बच्चूकड़ू सर को भी मैंने इस बारे में जानकारी दी, उनको भी मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हुए हैं। तो ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हो पाएगा, मगर आज तक मेरा जॉब के बारे में कोई भी नेता या फिर कोई भी मुझे ऐसी भी प्रॉपरली मदद के बारे में सामने नहीं आया, और आज तक मुझे जॉब से दूर रहना पड़ रहा है। कोई आज दिखाई दे रही है आपको? आज तो नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए मैंने आज 26 जनवरी के दिन मेरा टी स्टॉल और चना पोहा ऐसा एक छोटा सा स्टॉल खोल के जितना भी कमा पाता हूँ उतना कमा लेता हूँ। वो पाता है, मैनेज हो रहा है? मैनेज तो नहीं हो रहा है, मगर थोड़ी बहुत मदद हो रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है कि अगर हम इस लेवल पर आ जाएं और इस तरीके से आ जाएं कि हमें अपनी बात बोलने के लिए इस तरह का उपोषण करना पड़े, उस स्पोर्ट्स पर्सन को जिनके हाथ में न जाने इतने मेडल्स, इतने देश के लिए इन्होंने काम किया और इतनी जगह रिप्रेजेंट किया है अपने देश को, वो दौर जब ये याद करते होंगे तो इन्हें किस तरह का फील होता होगा। और इन्होंने जो एक स्टेटमेंट कहा वो कितना हार्ट ब्रेकिंग है कि अगर ऐसा ही रहा, ऐसी ही स्थिति रही, तो क्या हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए या क्या हमें अपनी जो इच्छाएं हैं, जो हम देश को सर्व करना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमें करना चाहिए। बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड एक्चुअली सी ऑन दिस, शुड गिव अ लाइट ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनका साथ नहीं देंगे तो आगे की जनरेशन जो शायद देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत कुछ, बहुत
अच्छे लेवल्स पर रिप्रेजेंट करना चाहती है वो अगर पीछे हट गई तो फिर देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा। इनकी स्थिति और इनकी जो बात है मैं चाहूँगी कि आप तक ज़रूर पहुँचे और इनको जो इनकी जो मांग है वो ज़रूर पूरी हो जाए, इन्हें उपोषण करने की ज़रूरत ना आन पड़े। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, ऑल द अथॉरिटी कि प्लीज़ इन्हें ध्यान दीजिए, इन पर ध्यान दीजिए, फिर आगे कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन ना क्रिएट हो कि वो ऐसी स्थिति पर आ खड़ा हो जाए। तो आज VKB के रियल हीरो सेक्शन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।